in a member of parliament in the back seat of an MP's car surrounded by Indian security men. Name the member of parliament. Right. When I arrived at Delhi airport, I was received in the MP's personal car and put in the back seat and driven to his official residence within the sight of the presidential the president's residential dome, and at his home, at Papu Yadav's home, and arranged for the transport by train that evening from Delhi to a very small train station that I couldn't see because I was packed in blankets. बिहार के लोगों को हम अपराध की दुनिया से अलग हैं, शांति में हैं, हम ना कोई दंगा चाहते हैं और हमारे हर समाज के लोग सारण जिला में सुख शांति से रहते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, कोई भी विधायक हो, आरजेडी का हो, कम्युनिस्ट का हो, कहीं का हो, हम सब चुनाव तक लड़ते हैं और चुनाव के बाद जाकर के हम सब लोग साथ मिलकर विकास का काम करते हैं। और आज तक मेरे पॉलिटिकल लाइफ में, मुझे आप सबको पता है कि मैं सारण का सांसद रहा हूं, छपड़ा का सांसद रहा हूं, मेरी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से हुई है, लेकिन एक सीमा के नीचे मेरे जिला में कोई नहीं गया। और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं इतना जरूर कबूल करूंगा कि एक आपराधिक रूप से कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं किया मेरे जिला में, और मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो सीमा। तो ये चलिए आप इनका एक पृष्ठभूमि देखिए, और ये पत्रकारों के लिए, जब आप ऐसे व्यक्तियों का 70 धाराएं हैं 31 केसेस में, और ये डकैती का है, राइटिंग का है, आर्म्स का है, थेफ्ट का है, कॉन्स्पिरेसी का है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है, एबडक्शन का है, ब्राइबरी का है, पब्लिक ऑर्डर, शायद सीआरपीसी और आईपीसी का कोई धारा बचा नहीं है जो हमारे मित्र के नाम पर नहीं है, लेकिन सब लोग भूल गए हैं। और पिछले 30 साल में ये सभी कई केसेस चार्जशीट हो चुके हैं, कई के कॉग्निजेंस हो चुके हैं, कई पर अब भगवान जाने कैसे कोई, और मैंने खंगाल डाला पूरी दुनिया के राजनेताओं के इतिहास को, पूरी दुनिया में, और मैं न गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, न लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट में, कोई भी दुनिया का ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसकी ये आपराधिक भूमि हो, आपराधिक बैकग्राउंड। मुझे बहुत खराब लगता है, उनके ही परिवार हैं, बच्चे हैं मुझे, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं था अपने यहां, मैंने उनको नहीं कहा था कि मेरे यहां आकर के कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की थी उस विषय पर भी, और मैं अपोलोजेटिक नहीं हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने, तो इतना आपराधिक मामला, कोई भी धारा नहीं बचा है अगर ध्यान से देखेंगे, और वो सब छिपा हुआ है, कोई जानता नहीं है, केसों का धारा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कोई धारा ऐसा नहीं बचा है। नया सीआरपीसी और नया आईपीसी लिखना पड़ेगा किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि को बताने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और क्यों छिपा हुआ है इस प्रकार से, और क्यों छिपा रखा है लोगों ने, और क्यों इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं अगर अपराध करूं तो रात भर हम लोग जग नहीं, सो नहीं पाते हैं, और इस प्रकार का, और इसमें कितने लोगों का दमन हुआ, कितने, मैं ये नहीं जाऊंगा, इसको मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके बाद के अगर तथ्य मैं आपके पास लाऊं तो आप दंग हो जाएंगे, आगे का इंतजार कीजिए, हम सब लेके आएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी राजनीतिक अपराधी से लड़ना कितना कठिन होता है, आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके परिवार के ऊपर भी खतरा हो सकता है, मित्रों पर हो सकता है, पत्रकारों पर हो सकता है, लेकिन एक और बात है जो छिपाया गया। 2014 में आप लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत गए, लेकिन उस समय आपने 19 केसेस छिपा के रखे थे, 17, 18, 19, 25 अनुसंधान का क्रम जारी है, और आपने एफिडेविट में गलत दिया था, उस समय अगर आपके इस खिलाफ कोई न्यायालय में जाता तो शायद, लेकिन ये जांच का विषय है, इस पर मैं टिप्पणी, लेकिन आपने सत्यों को छिपाया था। तो मोटे तौर से आपके ऊपर अभी तक मधेपुरा में 6, पूर्णिया में 11, पटना में 29, जो स्पेशल कोर्ट में जो केसेस भेजे गए हैं 29, दरभंगा में 1, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में 1, सहरसा में 2, पता नहीं सरकार, उस समय तो सबकी सरकार थी, आज की सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी, सुशील मोदी जी नहीं थे, तारकिशोर प्रसाद नहीं थे, सबकी सरकार थी, और ये 1990 के बाद से। और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप सांसद बने, मैं भी उसी वर्ष उस विधानसभा में जीत के आया था 27 साल की उम्र में, मैंने कभी आपसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया, आप राजनीति कर रहे थे, करें, सरकार का काम है देखना, लेकिन आपने आके एक ऐसा आरोप लगाया जो मेरे मन को झंझोड़ दिया, मुझे मन नहीं, मेरे मन को नहीं झंझोड़ा, मेरे पूरे
पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में एक आपने ऐसा शब्द डाल दिया जो शायद मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता था। मजबूरी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि तथ्य, और ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राजीव प्रताप रूडी का, और ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे, कभी भी इस लिंक को उठा के कोई देख सकता है। मैं इसके बाद जाना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मोरल कीपर है, कॉन्शियंस कीपर हैं, तो एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। इसके बाद जो है B9 तक तो दिखा दिया, आप गालियां निकालते हैं, आप किसको छोड़ते हैं, सब खराब है। मैं ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, किसी को आपने नहीं छोड़ा है, सरकार में, सरकार के बाहर में, मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसका, ये पूरा पृष्ठ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया है, रंजिश नहीं किया। और आप संत हैं और बाकी सब अपराधी हैं, पूरे भारतवर्ष के नेता अपराधी हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपराधी हैं, गृह मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भेज देना चाहिए, अपराध करना चाहिए, इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपने ऐसी सी बातें कही, किसी ने प्रतिकार नहीं किया, हमने भी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी को जवाब देना था कि आपका ये नहीं चलेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आप उनके फेसबुक पर जाके देखिए कि देश आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन जिन लोगों ने इनको एक चित्रण किया उनके बारे में बता चाहूं। अब इसके बाद में दो बस छोटा एक छोटा सा विजुअल देना चाहूंगा जो इनके बारे में मैंने नहीं कहा। डेनमार्क में किसी ने जाने के बाद, यह गलत हो सकता है लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि अर्णब गोस्वामी इतना बड़ा गलती क्यों करेंगे। आप देख ले, इसको 30 सेकंड का है, सिर्फ याद कराने के लिए कि ऐसे भी लोग हमारे राजनीतिक जीवन में हमारे सलाहकार हैं और हमें कॉन्शियस कीपर, हमें गाइड करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, राज्य शासन को, मुख्यमंत्री को। ये आप सुन लीजिए, 10 सेकंड का है, उसके बाद। इन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द बैक सीट ऑफ एन एमपीस कार सराउंडेड बाय इंडियन सिक्योरिटी मैन, नेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट, आई अराइव्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट, आई वाज रिसीव्ड इन द एमपीस पर्सनल कार and put in the back seat and driven to his official residence within the sight of the presidential the president's residential dome, and at his home, at Papu Yadav's home, and arranged for the transport by train that evening from Delhi to a very small train station that I couldn't see because I was packed in blankets. Another diplomatic, or what should I say, official car was waiting, plus two other cars with the AK-47 guards, who then drove me directly from the platform of the station over the border into Nepal and dropped me at the bus depot on the Nepali side, from where I escaped back to Denmark. But ye Purlia Kim Devi hai jo abhi डेनमार्क में है, सही है, सीबीआई जांच अभी तक कर रही है। पुरलिया, क्षमा कीजिए, मैं क्यों लाता, मैं क्यों, मेरा क्या लेना देना है, सरकार देखेगी। लेकिन अगर आप एक सीमा से पार करके लोकतंत्र को अपने हाथ में ले, तो एक है, अजीत सरकार हमारे साथ विधायक थे और उस केस में अजीत सरकार की हत्या हुई, लोग भूल गए हैं, अजीत सरकार उस समय विधायक थे और सुप्रीम कोर्ट में आप वर्षों तक आप जेल में रहे, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया और पटना हाईकोर्ट से आपकी रिहाई हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि रिहाई के बाद भी आज आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पिटीशन किया। आप 5 साल तक सांसद रहे, आपने इसको, मैं नहीं कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट जानता है, और सुप्रीम कोर्ट और देश का कोर्ट सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। अगर आप इन सब चीजों को छिपाने के लिए करें, मेरा कोई लेना देना, आप बरी हो जाए, आप दोषमुक्त कहलाएं, लेकिन अजीत सरकार की हत्या के बाद उस विधानसभा में हम लोग भी बैठे थे, हम जानते हैं, कम्युनिस्ट के नेता थे, आज कम्युनिस्ट के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। अजीत सरकार की बात को भूल करके, क्षमा कीजिए, मुझे दुख होता है, वो हमसे बहुत वरिष्ठ थे और मैं तो 27 साल का था, लेकिन इसे भूलना, अगर आप चाहते हैं कि ये गलत है तो आप भूल जाएं। अब छोड़िए इनकी बात, मैंने सिर्फ ये अभी फ्लैग किया है, तथ्यों का जाल इतना लंबा चौड़ा है और यह उन लोगों को बताने के लिए जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप हिम्मत मत हारिए। अब राजीव प्रताप रूडी व्यक्तिगत तौर से आपके साथ खड़ा है,
आठ आठ साल से बयान ना कराना, केस को दबा के रखना, ट्रायल को रोक के रखना, ट्रायल नहीं स्पीडी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रायल्स ना होना। और आपने कहा कि मैंने जेल भेज दिया, मैं क्यों जेल भेजने जाऊंगा, मैं कौन होता हूं जेल भेजने वाला।